ये क्या बोल रहे हैं आप? तुम सबसे ज्यादा मेरे पास अधिकार है, तुम्हारे जैसे बेईमान पोते से ज्यादा हक है मेरा। आप किस तरह के इंसान हैं? आपसे कोई प्यार नहीं करता, माँ भी नहीं। अगर ये वास्तव में आलम पाई मंत्र है तो क्या इस मंत्र का उपयोग नागों को वश में करने के लिए होगा ना? अगर तुमने फिर से बनी को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उसके शरीर पर जहर देने पर सांप का केचुल दिखने लगेगा। मैंने अपनी आंखों से उसे रूप बदलते हुए देखा है। मनी, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? ये आखिरकार मिस मनी के चेहरे पर पपड़ियां क्यों हैं? पिछली बार भी मुझे शक था कि यह सच है भी या नहीं, लेकिन इस बार तो मैंने देखा कि मिस मनी के चेहरे पे सचमुच पपड़ियां थी। अब देख लेना, वो नागिन बनके हमें मार डालेंगी। मुझे डर लग रहा है, हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए। मेरे जी दीजी, जॉन को कोई नुकसान नहीं होगा। वाओ, कब तक हमें इस तरह मौत का जोखिम उठाना पड़ेगा आंटी नो? जब तक मैं जॉन मनी के बारे में असलियत न बता दूं कि वो इंसान नहीं नागिन है। चिंता हो रही है। आदमी के पास जो गरुड़ की मूर्ति थी उसमें हम जैसे नागाओं को नुकसान पहुंचाने की शक्ति क्यों है? या फिर उस गरुड़ की मूर्ति में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होगा? मनी, अब कैसी हो? मैं पहले से काफी ठीक हूं। तुम्हारे चेहरे पर से निशान चले गए, तुम्हें बुखार भी नहीं है, पर डॉक्टर के पास जाना होगा क्योंकि आखिर प्रॉब्लम क्या है ये तो वो ही बताएंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। कोई भी डॉक्टर नहीं है जो मुझे ठीक कर सकता हो, क्योंकि मैं नागा हूं। मनी, तुम्हारी बीमारी चाहे कितनी भी गंभीर हो, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। मनी, चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरी परवाह करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम काम पर जाओ। ठीक है, पर अगर तुम्हारा तुम्हें कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत कॉल करना। ठीक है, चलो बाय। जॉन सुनो,
तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि याद रखना जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं। मैं सावधान रहा, अब तो खुश होना तुम। हे भगवान, हमेशा की तरह फिर से नाकाम। मैं नहीं जानती मैं तुम्हारी किस तरह मदद करूं। इतना अधीर मत हो दुज, मैंने तुम्हें कहा था मनी को लेकर मैं सीरियस हूं, तुम समझ रही हो ना? लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्या मनी को कोई जन्मजात बीमारी है, क्योंकि कल जब वो मेरे घर पहुंची तो उसमें अचानक अजीब, बहुत अजीब लक्षण दिखाई दिए। उसका शरीर आग की तरह गर्म हुआ था और उसका स्किन भी सांप की तरह दिखाई दिया। तो फिर क्या तुमने सांप शल्क जैसा कोई निशान देखा है? तो शायद रति ने जो कहा था वो सच है। क्या कहा? वो लड़की नाग राक्षसी है, मैंने पहले ही कहा था कि वो इंसान नहीं है, लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं की। ये कैसे संभव है? मिस मनी एक सांप दानव है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। लेकिन ये पहले ही हो चुका है, मैंने उसे अपनी आंखों से एक बड़े सांप में तब्दील होते देखा। मिस दूज ने भी देखा, लेकिन उस चुड़ैल ने दूज पर जादू का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए मिस दूज को कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या ये सच है? मुझे याद नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? मैं इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकता दूज, कोई इंसान सांप में कैसे बदल सकता है? मुझे यकीन नहीं है इस पर। रति तुम भी यही कह रही हो? तो फिर हमें यह साबित करने का एक तरीका खोजना होगा कि मिस मनी एक इंसान नहीं है। तुम ये कैसे साबित करोगे? यहाँ तक कि ओझा भी इससे नहीं लड़ सकता। कोई तरीका तो होगा, कोई रास्ता तो होगा, हम ये कर सकते हैं। कल इतनी भयानक लग रही थी, मैं सारी रात बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। कि आपको जानना चाहिए, जॉन पे गोली चलाई गई थी। ओह, फिर क्या हुआ? करना मिस मनी, गलती हो गई। तुम कल इतनी भयानक लग रही थी, मैं सारी रात बस तुम्हारी ही चिंता कर रहा था। मनी, अब तुम्हारा गाल ठीक है ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। तुम अब सच में ठीक हो? और बहुत अच्छी भी लग रही हो, तुम सच में ठीक लग रही हो। शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए। कल तुम्हारे चेहरे पर जो निशान था वो किसी एलर्जी के कारण हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी एक बार झींगा से एलर्जी हुई थी।
ये तकरीबन एक साल पहले की बात है, मेरे पूरे शरीर पर ऐसे दाने दाने आ गए थे। हाँ शायद कुछ ऐसा ही होगा। मैंने इसके बारे में सोचा, लोग कहते हैं कि तुम एक सांप राक्षस हो, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, ये बिल्कुल ही बेवकूफी है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इस दुनिया में अलौकिक रहस्य सिर्फ एक कहानी हो सकता है और ये वास्तविक नहीं है। सच कहा ना? शायद तुम्हारे जैसा मॉडर्न आदमी यकीन ना करता हो, वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं दिखा। तुम सही हो। वैसे क्या तुम्हें लगता है पुण्य और पाप सच में मौजूद है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो पापी हूँ, मैं तो मंदिरों में जाने से ज्यादा शराब की दुकानों में जाना पसंद करता हूँ। क्या पता जब मर जाऊंगा तो मैं आग में गिरूंगा या नहीं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आग में गिर जाने से तुम्हें डर नहीं लगता। मैं एक्चुअली इन सब चीजों से बिल्कुल डरता नहीं हूं, जिन्हें मैं कभी देख ही नहीं सकता। मैं बस हर दिन खुश रहूं यही ट्राई करते रहता हूं। मैं बस अपनी मस्ती में रहता हूं। मिस दूज पहले से ही यहाँ है, मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ बोलो सदायु। दूज, मनी की इसमें कोई गलती नहीं है, उसके चेहरे की सारी परतें गायब हो गई है। ओ, तो क्या तुम अपने मनी से मिलने गए थे? वो मिले नहीं क्या? दूज, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। और मेरी बात सुनो, उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना बंद करो। बजाय इसके कि तुम आकर मुझसे ये कहो कि उस लड़की के साथ खिलवाड़ करना बंद करो दुचन, मुझे लगता है कि तुम्हें मिस मनी पर फोकस करना चाहिए। मनी के साथ अच्छे से फ्लर्ट करो। दुज, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मनी जैसी अच्छी लड़की को मैं अपने हाथ से हरगिज जाने नहीं दूंगा। ये बात तुम अच्छे से समझ लो। मिस दूज, क्या मिस्टर सदायु सच में उस नागिन को पसंद करने लगे हैं? यहाँ आसपास ऑफिस में सुंदर लड़कियाँ हैं, पर उसे वो नहीं देखता, या उसे अजीब चीजें पसंद है। जल्दी ही महाराज मुकलिन ध्यान से बाहर आ जाएंगे। इससे पहले कि मैं वापस जाऊं, मुझे जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढ के निकालना होगा। हेलो कैप्टन, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ सर्जेंट, कोई जरूरी काम है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है कैप्टन, लेकिन एक जरूरी बात है। क्या जरूरी बात है? वो दरअसल बात यह है कैप्टन कि कैबिन में एक लड़की आपका इंतजार कर रही है। लड़की है क्या? मेरा आज किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन मैंने पहले कभी उसे यहाँ देखा नहीं कैप्टन। वो बेहद खूबसूरत है कैप्टन। लगता है इस बार
ये लड़की कैप्टन को पसंद आ ही जाएगी। मिस मनी, क्या हो गया आपको? मुझसे क्या काम है? मेरे पास कुछ ऐसा है जो लगता है कि आपको जानना चाहिए। जॉन पे गोली चलाई गई। ओह, फिर क्या हुआ? वो जरा घायल हो गया था, लेकिन अब वो ठीक है। जॉन ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? उसे डर था कि ये खबर फैल जाएगी और वो नहीं चाहता था किसी को पता चले। मुझे जॉन की फिक्र है, अगर हम अभी भी मुजरिम को पकड़ ना पाए तो वो खतरे में पड़ सकता है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ आप उसका ठीक से ख्याल रखें, क्योंकि हो सकता है मैं ज्यादा दिन ना रुकूं। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे घर जाने का वक्त हो चुका है। मैं बस आपको ये बताना चाहती थी और इसीलिए यहाँ आई थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। घर जा रही है, कहीं इसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मनी, मनी, सर्जन जी। कैप्टन, जो लड़की मुझसे मिलने आई थी कहां गई? तुमने देखा उसे जाते हुए? मैंने तो उसे केबिन के बाहर निकलते हुए नहीं देखा कैप्टन। अरे, पर वो लड़की तो अभी बाहर आई। मैं यही था कैप्टन, और यहां से गुजरते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। अगर वो यहां से निकलती तो मैं उसे जरूर देखता। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी कैप्टन। मुझे अपनी एक गलती कबूल करनी है। तुमने मेरे साथ क्या गलत किया जो तुम्हें कबूल करना पड़ रहा है? क्या सच में वो अपने प्यार का इजहार करेंगी? Hey John, क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं चिंतित तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात है? मेरे पास एक प्लान है ये साबित करने के लिए कि उस हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ चाय कहां था। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा जॉन। तुम बस सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास पक्के सबूत हैं? और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सोचो उसे कितना दुख होगा कि उसे दोषी ठहराया गया है। लेकिन सच में अगर वो इस मामले में शामिल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ जॉन? लेकिन मुझे इसे साबित करना होगा। लेकिन मुझे ये भी शक है जॉन कि उस मामले में नील रत नाम की एक महिला का हाथ है। अगर उस अपराधी को पकड़ना है तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा जॉन, क्योंकि सिर्फ तुम नहीं जॉन, मिस मनी भी खतरे में है, क्योंकि मिस मनी इस मामले की एकमात्र चश्मदीद गवाह है जॉन। मैं जल्द से जल्द उस कातिल को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो जॉन तुम अपने साथ साथ मिस मनी की जान को भी खतरे में डालोगे। क्या तुम्हें ये मनी ने बताया? हाँ, बताया है। और अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम भी मुझे सब कुछ बता दो जॉन, नहीं तो तुम अपने साथ साथ मिस मनी की जान को भी तुम खतरे में डालोगे जॉन। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? यहां पर आकर तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा,
मैं तो बस आपको मिलने आया हूँ। तो फिर तुम यहाँ पर अंदर क्या करने के लिए आए हो? देखिए अंकल, जो आइडिया मुझे आपने दी थी, मैंने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है अंकल। मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी अपने अंकल के साथ एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं अंकल? मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें। यह अच्छा है, क्योंकि अब मेरे लिए देवा ग्रुप में कोई काम नहीं है। मैं नीलरत से अपॉइंटमेंट लेता हूं, वो भी हमारे साथ नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहूंगा। इस बार मैं तुमसे सब कुछ वापस ले लूंगा, यहां तक कि सांसें भी। अच्छा किया तुम खुद चलकर मेरे पास यहां आ गए। ये सब कुछ तुमने किया? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती, तो बस यही। इसके लिए शुक्रिया मानी। आओ तुम भी खाओ ना। नहीं तुम खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। ओके, मैं शुरू कर रहा हूं। जाने से पहले मैं तुम्हें सबसे ज्यादा खुश देखना चाहती हूँ जॉन। मनी, तुम मेरा चेहरा क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? वो मुझे अपनी एक गलती कबूल करनी है। कबूल करना है? तुमने मेरे साथ क्या गलत किया जो तुम्हें कबूल करना पड़ रहा है? प्लीज मुझे बताओ ना। आज शाम को तुम अपना काम खत्म करके जल्दी घर आ जाना। मैं तुम्हारे लिए आज रात डिनर बनाने का सोच रही हूँ, और फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। जब तुम इस तरह बात करते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती। मैं आज जल्दी आ जाऊंगा और फिर साथ में मिलकर खाना खाएंगे, तो अच्छा है ना ये प्लान मनी? मिस मनी क्या कबूल करने जा रही है? क्या सच में वो अपने प्यार का इजहार करेंगी और मिस्टर जॉन से शादी करेंगी? चाय? हाँ मैं। यहाँ आने से पहले आपको हमें फोन करना चाहिए था, अगर गोली चल जाती तो। तुम लोग तैयार हो जाओ, आज मैं चौन को फुसला कर बाहर लेकर जाऊंगा।
इस बार तुम लोगों को उसे मारना होगा, क्योंकि अगर वो इस बार नहीं मरा तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और हमारी मजदूरी का क्या होगा? हाँ, काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें तुरंत पैसा दे दूंगा। अब हमें आगे क्या करना होगा? क्या तुम्हें मिस मनी से निपटने का कोई तरीका मिला है रति? अभी नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। मिस दूज राक्षसों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। तुम और सदायु दोनों ही मेरी कोई मदद नहीं करते। अभी तक सदायु उसके साथ फ्लर्ट ही किए जा रहा है, अगर वो मान जाती है तो आरती का पीछा छूटेगा। हाँ, मिस नूम ने फोन किया। हेलो मिस नूम, क्या मैं ये कर सकती हूँ? मैं ये कर सकती हूँ। हाँ हाँ, क्या हुआ? आंटी नूम ने ये कहा कि सर्फ तानव से निपटने का एक तरीका है। वो चाहती है कि हम साक्षी के रूप में एक साथ शामिल हों। आइए मिस दूज, जल्दी से मिस्टर चांद के घर चलें। मैंने पहले ही नीलरत से अपॉइंटमेंट ले लिया। उसने तुम्हें आज अपने फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुलाया है। क्या तुम आ पाओगे? ठीक है, तो मैं तुमसे वहीं पर मिलता हूँ। लोकेशन भेजता हूँ। अब आगे क्या करना है? क्या तुम लोग तैयार हो? प्लान के मुताबिक काम करना। ठीक है, मैं जल्दी आता हूं जॉन, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ओके। काश ये वैसा ना हो जैसा रीक सोच रहा है। याद है ना आपने क्या कहा? आपके पास तरीका है साबित करने का कि मनी एक सावधान है। बिल्कुल है। मनी सुनो, मैं हर दिन बस वही बकवास नहीं करना चाहता, तो मैंने सोचा कि मैं, मतलब मुझे भविष्य में कुछ करना चाहिए, मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऐसा सोच रहे हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे तुम्हारे जैसा बनने के लिए मुझे अंदर से इंस्पायर किया है। तो मनी, क्या तुम मुझे साबित करने के लिए वक्त दोगी? मेरा मानना है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, और मैं उम्मीद करती हूँ जो तुमने करने का सोचा है वो करने में तुम सफल हो सदायु। तुम्हें पता है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं जरूर सफल होऊंगा। मुझे यहां से जल्दी जाना होगा।
तो यह अच्छा ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मिस्टर चौन के घर और दिन रहो। तुम कहीं और रहोगी तो फिर मुझे भी अक्सर तुमसे मिलने का मौका जो मिलेगा। याद है ना आपने क्या कहा? आपके पास तरीका है साबित करने का कि मनी एक सांप दानव है। बिल्कुल है। आपको जो भी करना है थोड़ा जल्दी करना होगा, कहीं आरटी ना आ जाए तो हम सब फंस जाएंगे। मैं वो शीशे लेकर आती हूँ। मैं गाड़ी में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है जॉन, तुम पार्क करके मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँचता हूँ। और मीटिंग पॉइंट पर तुम अकेले मत जाना, तुम्हारी जान खतरा हो सकता है, समझे तुम? ठीक है, तुम जल्दी पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, बैटरी फिर से खत्म हो गई। एक तो चार्जर भी नहीं लाया। सुनो, हम अपने बचपन को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, जरा सब्र रखने की कोशिश करो। मिस रति, तुम ये कह रही हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपका चेहरा ऐसा कहता है। तेरी बस तो? करो, बहुत हो गया। मुझे लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है रति, हमें चलना चाहिए। अभी थोड़ी देर और रुकते हैं। क्या आपके पास सच में कोई तरीका है जिससे आप मनी से निपट सके? है। अब ये क्या है मिस नोम? इसे छिड़कते ही वाकई अगर कोई नाग इंसान के रूप में है तो इसके असर से धीरे धीरे सांप वाले केचुले निकलने लगेंगे। ओह, तो ये शीशी आपने अपने पास रख ली थी? पिछली बार मिस्टर चौन इसे ढूंढ नहीं सके थे। क्या ये सच में कोई काम करेगा? बिल्कुल करेगा, तुम लोग बस देखती जाओ मैं कैसे मनी का असली चेहरा सबके सामने लेकर आती हूँ कि वो इंसान नहीं एक नागिन है। शायद वो पहले ही आ चुका है सर। हो सकता है उसने अपना मन बदल लिया हो और ना आने का फैसला किया हो। चौन, तुम कहां पर रहेंगे? नीलरत तुम्हारे लिए काफी देर से इंतजार कर रही है। मैं लगभग पहुंच चुका हूं, 15 मिनट में आ रहा हूं। ओके। अरे यार, ये अभी तक क्यों नहीं आया? अरे यार, बैटरी सिर्फ 10% है। अगर मुझे देरी होगी तो अंकल को पक्का शक। अब मैं क्या करूं? एक तो ये फोन भी नहीं। मनी, एक्चुअली मैं उस दौरान बहुत बिजी रहूंगा और तुमसे मिलने का ज्यादा वक्त नहीं मिल पाएगा मुझे, लेकिन हाँ, हम दोनों अक्सर फोन पर बात करते रहेंगे। हाँ सदायु, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम और भी आगे बढ़ो। जो हुकुम मैडम। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो?
अगर तुम्हें सच जाना है तो चुप रहो सदायु। जो करना करो, सोच क्या रहे हो? अरे तुझ, तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? आप अपनी आंखों से देखें मिस्टर सदायु उस लड़की का असली रूप, आपको पता चल जाएगा कि नफरत करना कितना भयानक होता है। फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। सार्जेंट, और कितनी देर? रेडिएटर लीक हो गया है कैप्टन, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि हमें दूसरी गाड़ी चाहिए। शिट यार, क्या हुआ? छोड़ो मुझे। रति, उसे कस के पकड़ो, जाओ जल्दी। हाँ रति, 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 तुम क्या कर रही हो? रति छोड़ो उसे। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो चुप हो जाओ सदायु। आंटी नू, जो करना करो, सोच क्या रहे हो? वाओ, यहाँ जो भी होगा तुम उसे रिकॉर्ड कर, जल्दी से मोबाइल निकाल। ऐसा मत करिए प्लीज, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, इसका कोई फायदा नहीं। सुन लो मनी, हम तुम्हारा असली रूप जान चुके हैं और मेरे जीते जी मैं जॉन को कोई नुकसान होने नहीं दूंगी। की तरीका है कि मैं तुम्हें मार डालूं और सब मेरा हो जाए। जॉन, अब तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? व्यक्ति को जान से मारना कितना घिनौना पाप माना जाता है। आपको अपना फैसला सुनने के लिए मेरे साथ रत्नाबाद आना होगा।